आप अगर राइटिंग पेंटिंग करते हैं तो दोस्तों आपको बहुत सारे ब्रश की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 3-4 ब्रश में आप राइटिंग पेंटिंग सीख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली नए पेंटर भाई लोगों के लिए है और इसके साथ साथ पुराने पेंटर लोगों के लिए भी है। दोस्तों करीबन मैंने जब पेंटिंग का शुरुआत कर रहा था तभी मुझको पता नहीं था कि मैं कौन सा ब्रश यूज करूं, और बेसिकली जो बिगिनर होते हैं यानी कि जो लर्नर होते हैं लोकल पेंटिंग के लिए कौन सा ब्रश ऐसा होता है जो राइटिंग पेंटिंग के लिए सही है, और मतलब बेफालतू में बहुत सारे ब्रश खरीद लेते हैं और वो ब्रश ज़्यादातर काम में नहीं आता है। और मैं स्पेशली आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने सारे ब्रश भी यूज कर रहे हैं स्पेशली लर्नर लोगों के लिए जो सीख रहे हैं जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। और स्पेशली आप लोग अगर पेंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं राइटिंग पेंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो दोस्तों ऐसे कौन से ऐसे ब्रश होते हैं जिसको आप खरीदें और इसके साथ साथ काम को शुरुआत करें। क्या होता है कि ना जाने बहुत सारे ब्रश खरीद लेते हैं और वो बेफालतू में घर में रह जाता है और उसका काम में नहीं आता और ज्यादातर हमें इसका कीमत देना पड़ता है। इसीलिए मैं आप लोगों को इसी वीडियो पर यही जानकारी आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप पहले देख सकें और इसके साथ साथ इसका फायदा उठाएं। तो चलिए दोस्तों समय ना लेते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब मैं पेंटिंग का शुरुआत कर रहा था जबकि मुझे कुछ भी नहीं पता था तब मैं आर्ट शॉप पर जाता था, ब्रश खरीद के बस पेंटिंग की शुरुआत करता था, लेकिन पता ही नहीं था कि कौन सा ऐसा ब्रश है जो ज्यादातर यूज होने वाली ब्रश है और ज्यादातर आर्टिस्ट लोग उसे यूज करते हैं। तो दोस्तों मैंने करीबन काम करते करते जो ब्रश ज्यादा मैं यूज किया, जो ब्रश को लेकर मैं ज्यादा राइटिंग पेंटिंग की, वही ब्रश को ज्यादातर मैं खरीदने लगा और बाकी ब्रश को मैं छोड़ दिया। और वही आज वो ब्रश मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और वो ब्रश ऑलरेडी मेरे सामने है। बहुत दिनों के बाद मैंने इसी ब्रश को आज खरीदारी किया हूं, क्योंकि ब्रश वैसे ही उसका पॉइंट खराब होते जा रहा था, और बल्कि ये जो ब्रश होता है दोस्तों ज्यादातर जगह पे नहीं मिलता है क्योंकि ये जो ब्रश है ना थोड़ा बहुत अनोखा है और गिलहरी वाला बाल ब्रश है जो कि नेचुरल है, और ज्यादातर प्लास्टिक ब्रश और इसी ब्रश अगर डिफरेंट देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही मतलब जमीन आसमान का फर्क रहता है। तो चलिए इसी ब्रश को हम अभी देख लेते हैं। देखिए ये सब ब्रश को मैं अभी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं जो कि मेरे लिए बहुत ही काफी फायदेमंद साबित हुआ है, और मैं ये सब ब्रश को लेकर ही राइटिंग पेंटिंग करता हूं, और इसी ब्रश के बिना मैं राइटिंग पेंटिंग कर ही नहीं सकता। और ज्यादातर दूसरे वाले भी ब्रश रहता है जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं रहता, और स्पेशली ये सब ही काफी अच्छी मदद करते हैं राइटिंग पेंटिंग के लिए। तो चलिए उसको हम फाड़ के देखते हैं। देखिए दोस्तों ये जो सब ब्रश है पहले उसको अच्छी तरीके से खोला जाए ताकि हम देख पाएंगे। देखिए सामने में जहां हेयर रहता है यानी कि बाल रहता है और जिसके माध्यम से हम राइटिंग पेंटिंग कर पाते हैं, यहाँ एक पेपर लगा गया है और वो पेपर पूरे के पूरे इसी हेयर को देखिए कवर करते हुए रखा गया है, क्योंकि इसीलिए रखा गया है दोस्तों कि ये जो ब्रश है उसका पॉइंट खराब ना हो जाए और ब्रश सुरक्षित रहे। देखिए तो दोस्तों आप लोग मेरे बहुत सारे राइटिंग पेंटिंग वीडियो देखे होंगे और ज्यादातर मैं अपनी राइटिंग पेंटिंग में ये सब ब्रश को ही यूज करता हूं दोस्तों। प्लास्टिक ब्रश ज्यादातर मैं बहुत ही कम जगह यूज करता हूं क्योंकि मुझे प्लास्टिक ब्रश यूज करने में ज्यादा उतना अच्छा नहीं लगता, जबकि ये जो हेयर ब्रश है इसको यूज करने में बहुत मजा लगता है, और उसके साथ साथ जो अक्षर होता है लिखने में सुंदर और जल्द से जल्द हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये है गिलहरी वाला
ब्रश है, और ये देखिए 6 नंबर का लॉन्ग हेयर है ये, ठीक है। ये देखिए 10 नंबर का शॉर्ट हेयर ब्रश है दोस्तों। इसके बाद ये देखिए 3 नंबर का लॉन्ग हेयर है, ये है 12 नंबर का शॉर्ट हेयर है, ये है 3 नंबर का लॉन्ग हेयर, ये है 2 नंबर का लॉन्ग हेयर, और इसके बाद ये जो है 10 नंबर का शॉर्ट हेयर। इतने सारे ब्रश, यानी कि मेन अगर देखा जाए तो दोस्तों मुझे बस इतना ही है ब्रश काफी होता है राइटिंग पेंटिंग के लिए। देखिए ये वाला 12 नंबर, 10 नंबर और 3 नंबर और 6 नंबर का लॉन्ग हेयर, ठीक है। इसमें कोई छोटा छोटा अक्षर लिखने के लिए ज्यादातर मुझे ये बहुत ही पसंद आता है, और मीडियम अक्षर के लिए कोई साइन बोर्ड हो, जैसे कि आप कोई ठिकादारी बोर्ड लिखने गए हो, इसका जो हेडलाइन होता है एक एक राउंड में इसी ब्रश से काम चल जाता है। और इसके बाद अगर कोई कहाँ कोई स्कूल गए हो, कोई बड़े बड़े अक्षर लिखना है, तो ये ब्रश काफी होता है दोस्तों। आप हो सके तो अगर आप एक नए पेंटर है, या फिर आप पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर नया नया पेंटिंग के काम सीख रहे हैं और मन में डाउट आ रहा है कि आप कौन सा ब्रश खरीदें और कैसे काम करें, आप मेरे हिसाब से ये सब ब्रश आप लोगों के लिए सही होगा, और मैं इसी ब्रश से ही काम करता हूं। और ये दोस्तों प्योर हेयर ब्रश होता है, गिलहरी वाल वाला, और बहुत ही स्मूथ रहता है, और इसका जो कलर पकड़ने का क्षमता होता है वो ज्यादा होता है प्लास्टिक ब्रश के अनुसार, ये ज्यादा ही कलर पकड़ता है। प्लास्टिक ब्रश में क्या होता है कि ज्यादा कलर पकड़ने की क्षमता नहीं रहता, और एक दो बार करने के बाद इसका जो एक एक बाल होता है ना प्लास्टिक ब्रश का, वो खराब हो जाता है, और हमें एक दो बार लिखने के बाद उसको फिर फेंकना पड़ता है। लेकिन ये जो ब्रश होता है ना दोस्तों, आप कहीं ना कहीं इस ब्रश को ज्यादा देर तक और काफी समय तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो दोस्तों देखिए आज का वीडियो बस इतना ही है, तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक एक लाइक करना भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का एक एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है ऐसे वाले वीडियो बनाने के। तो दोस्तों अगर इसी में कोई जानकारी कमी रह गई है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोग कौन सा ब्रश ऐसे यूज करते हैं और लिखाई करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आज के लिए बस वीडियो इतना ही है दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी अलग एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, शुक्रिया।